नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमा गहमी शुरू है। इसी बीच गुरुवार को बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की अहम बैठक हुई। ये पार्टियां महायुद्ध में अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बना रही हैं। एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को मुंबई में पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी की राज्य कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि बीजेपी राज्य की 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पूर्व सांसद राव साहेब दानवे ने बैठक के बाद कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं द्वारा मिलकर सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी। एकनाथ शिंदे की क्या है मांग? बीजेपी की बैठक के बीच एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक। इस बैठक में शिवसेना के सांसदों और विधायकों ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव रिजल्ट को देखते हुए अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कई रिपोर्टर्स में दावा है कि शिवसेना महायुद्ध में करीब 125 सीटें चाहती है। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 80 सीटों पर सर्वे करा रही है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने पिछले दिनों एबीपी माझा से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन में एनसीपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उन 80 सीटों का चयन करने के लिए राज्य भर में एक सर्वेक्षण शुरू किया है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एकजुट शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी थी। बाद में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया, फिर शिवसेना में फूट पड़ गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना एमबीए के साथ है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत हुई। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एमबीए के साथ है। अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना से गठबंधन का खास फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 के मुकाबले 23 से घटकर मात्र 9 रह गई। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकी। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस वाली महाविकास आघाड़ी ने मिलकर राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीट हासिल की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।